नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मोरा द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को लेकर आज श्रावस्ती के जिला मुख्यालय पर भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मोरया का गधे पर बैठाकर पुतला निकालकर जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। और वहीं स्वामी प्रसाद मोरया का सर लेने वाले 11 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। मामला आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या के रामचरितमानस के विवादित बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है और यह विरोध प्रदर्शन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। सड़कों पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या का गधे पर बैठाकर पुतला निकाला गया है, जो जिला मुख्यालय के सदर बाजार की गली गली में घुमाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। यूपी के फतेहपुर में आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्या के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि रामचरितमानस में शुद्ध वर्ग के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ 4 वर्ण की बात कही गई है और इसलिए कुछ शब्द को हटाया जाए और जिला मुख्यालय में मौजूद सपा पार्टी कार्यकर्ता जो वहां पर पहुंचे और राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर प्रसाद निषाद का नेता और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहना कर जोरदार स्वागत किया है। जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अगर रेलवे में किराया बढ़ाया जाता है तो कोई भी हादसा होने पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है बहुत ही खराब बनी है। पैसेंजर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाकर डबल किराया कर दिया गया है। जिसको संविधान की रक्षा करनी चाहिए वो उसका खुद मजाक बना रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी बवाल पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने स्पष्ट कर दिया है कि जो रामचरितमानस में शूद्र वर्ग बहुसंख्यक समाज के लिए सुनने में अच्छा नहीं, उसको हटा देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करने की, संविधान के आधार पर देश चलाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन सत्ता चलाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रामचरितमानस में जो कोई एक पंक्ति है उसके बारे में कहा कि ये हमारे लिए बहुसंख्यक समाज के लिए सुनने अच्छा नहीं, तो इसको हम बताया जाना चाहिए, उसकी बात उन्होंने की। तो हम चाहते हैं कि देश की जनगणना की चर्चा हो, देश में बेरोजगारी उसकी चर्चा हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं महंगाई की चर्चा हो। यही भारतीय जनता पार्टी, अगर 50 पैसा डीजल के दाम बढ़ जाते थे पेट्रोल के, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर चल रहे हैं और यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों सहित एमपी के 6 जिलों से लेकर ही यह पदयात्रा गुजरेगी। बता दें आपको कि हमीरपुर जिले के लक्ष्मीबाई तिराहे से बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने को लेकर पदयात्रा शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में अंतर्राज्यपदीय संस्थानन की मांग को लेकर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने देर शाम को जिला मुख्यालय भिनगा में कैंडल मार्च निकाला है। लखनऊ 250 से 100 बजाओ शांति मार्च के द्वारा ही उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही सरकार से अंतर जनपदीय संस्थानन की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई है। और ये भी बता दें आपको कि शादी विवाह और इसके साथ ही जिंदाबाद तो ट्रांसफर की बात करेगा, ऐसी भी बात कही गई है। और राज करेगा के नारे लगाते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं ने हाथ में कैंडल लेकर कई किलोमीटर तक कैंडल मार्च भी निकाला है।
G20 समिट में अब कुछ ही समय बचा है, जिसके चलते आगरा प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। तैयारियों का जायजा लेने आगरा के आलाधिकारी दौरे पर निकले और अधीनस्थियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। अतिथि देवो भव को चरितार्थ करता आगरा प्रशासन G20 के मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जी जान लगा रहा है। मेहमान नवाजी के लिए जाना जाने वाला आगरा एक बार फिर खुद को साबित करेगा और कमिश्नर आगरा अमित गुप्ता, DM नवनीत चहल और नगर आयुक्त निखिल फुंडे सहित आलाधिकारी तैयारियों का जायजा लेने निकले और छोटी मोटी कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। G20 के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा, ADA के द्वारा सभी विभागों के साथ समन्वय करके फसाड इम्प्रूवमेंट का काम सभी रस्तों पे किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मोटिवेट करके उनसे पार्टिसिपेशन लेते हुए एक रूपता सड़क को दी गई है, जिसमें दोनों तरफ सेम रंग की दुकानें और बोर्ड जो है सामान रूप में लगवाए गए हैं। इसी के साथ जो हमारा आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे देश विदेश से जो नवीन तरीके की चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं वो किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉर्नर भी डेवलप किया है G20 के लिए, जिसमें G20 का लोगो लगाया है। साथ ही जो आई लव आगरा है हमारा सेल्फी पॉइंट, उसको रिवैम्प तरीके से हमने यहाँ लगाया है। सहारनपुर के सर्किट हाउस में सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम और DM अखिलेश सिंह द्वारा ही अमेजोन इंडियन के कम्युनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत जनपद सहारनपुर के 80 प्राथमिक विद्यालयों को एलेक्सा डिवाइस दी गई है। और इससे आपको बता दें कि अब विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस और इसके साथ ही विचार को सफल बनाने की मदद मिलेगी। और इस अवसर पर अमेजोन इंडिया के ही कम्युनिटी प्रोग्राम की टीम द्वारा अलेक्सा के ही विद्यालयों में प्रोग्राम के संबंध में अध्यापकों को जरूरी ट्रेनिंग भी दी गई है। और आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला सहारनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के 80 प्राथमिक स्कूलों में अलेक्सा डिवाइस वितरित किया गया है, और जिसमें सभी स्कूलों के प्रिंसिपल टीचर्स को बुलाकर अमेजोन इंडिया के कम्युनिटी प्रोग्राम की टीम द्वारा डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करें और साथ ही इसके रखाव के बारे में भी जानकारी दी गई है। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में हमारा स्कूल में एक IT इंटरवेंशन के तौर पर 80 स्कूल में हम लोगों ने एक अलेक्सा डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया। 80 स्कूल को प्रिंसिपल्स को बुलाकर, स्कूल टीचर्स को बुलाकर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्पॉन्सर है, उनको भी बुलाकर हम लोगों ने ये डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी टीचर्स को इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे चार्ज करना है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा दिया। ये IT डिवाइस जो अलेक्सा डिवाइस है, ये पूरा एक नॉलेज का भंडार है। इसमें तो बच्चों के सामने रख के जो भी बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मतलब एक टीचर्स का कस्टडी में, तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तरह एक फन लर्निंग भी हो जाएगा और इनफैक्ट ये टीचर्स को भी एक हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज़ अगर टीचर्स को कुछ कन्फ्यूजन है कुछ सब्जेक्ट को लेकर, वो अलेक्सा क्लियर भी कर सकता है। रायबरेली के लालगंज रेलखंड पर आधुनिक कोच कारखाने में निर्मित 19 कोच जाते समय उत्तर रेलवे का एक इंजन पटरी से उतर गया और गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की भी तरह की अनहोनी होने से बच गई है। और मामले की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है और आनन फानन मौके पर रेलवे की टीम पहुंची और इंजन को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन मामले पर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल रेलवे सबसे पहले कोचों को उनके गंतव्य और भेजने के प्रयास में जुटा हुआ है। हाथरस के कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के ज्वेलर्स रोड पर मौजूद जनीगढ़ी में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान को घेरकर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी है। और बता दें आपको कि ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम पूर्व प्रधान की हत्या करने वाले अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
फरुखाबाद थाना कंपिल पुलिस ने इनामी शातिर अपराधी और उसके साथी को शस्त्रों के साथ जखीरे और सशस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर लिया है। शातिर अपराधी भूरे शर्मा के ऊपर 15,000 का इनाम है और वहीं सतीश शर्मा 10,000 का इनामी है और पुलिस ने 7 तमंचों सहित बड़े पैमाने पर तमंचा बनाने का सामान भी बरामद किया है। पूरा मामला कोतवाली सदर पुलिस समेत SOG ने बता दें आपको गिरफ्तारी की है आरोपियों की। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पुलिस अधीक्षक में बताया जा रहा है कि थाना कंपिल पुलिस ने ही ग्राम खेतलपुर सोरिया निवासी भूरे उर्फ राम रत्न पुत्र राम सिंह और जनपद काशगंज थाना पटियाली के ग्राम सलेमपुर निवासी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र लटूरी सिंह को गिरफ्तार किया है। भूरे के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया गया है। राजू पर 15,000 और भूरे पर 10,000 का इनाम था। दोनों शातिर गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। क्या मामला था और किस तरीके से इनको पकड़ा गया है, कहां ये लोग सेल आउट करते थे, कितने हथियार प्रतिदिन बनाते थे? ये थाना कंपिल SOG टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा CEO कायमगंज के नेतृत्व में एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, पकड़ी गई है। इसे 30 तारीख को नंगला रेंज थाना कंपिल क्षेत्र के अंतर्गत रात को 8 बजे करीब पकड़ा गया है। जो हमारी इंटेल सूचना के आधार पर इस शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है और इसमें जो अभी पकड़ा गया है वो पहले से ही शस्त्र फैक्ट्री में के आधार पर जो गैंगस्टर था उसमें 15,000 का जो इनामिया था अभियुक्त भूरा, उसके साथ में उसका साथी अभियुक्त सतीश पकड़ा गया है। अभियुक्त भूरा पे 15,000 का इनाम था और इनके पास से जो 6 अदद नाजायज देसी तमंचा 12 बोर और 1 अदद देसी जो आपका तमंचा है 315 बोर वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो जो कारतूस हैं और जो शस्त्र बनाने के अवैध शस्त्र बनाने के जो हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई गांव में देर रात घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से लगभग 7 वर्षीय एक बच्ची घायल हो गई, जिसे परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें आपको कि हरपालपुर थाना क्षेत्र के बरनई गांव निवासी सत्येंद्र सिंह के घर में मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अवैध असले से गोली चल गई और जिससे उनकी लगभग 7 वर्षीय बेटी को गोली लग गई और गोली लगने से वो घायल हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बरनई गांव है, वहाँ एक सत्येंद्र सिंह का घर है। वो सत्येंद्र सिंह के घर में एक इलीगल असलहा रखा था, उसे बच्ची खेलने लगी और अचानक चल गई जिससे वो घायल हो गई है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सर कोई जा रहे हैं, किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी कोई नहीं लिया गया है। अब सत्येंद्र सिंह तो अभी गए अस्पताल, वहां से आएंगे तो फिर जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब तक आगरा विकास प्राधिकरण ने 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। दरअसल आगरा विकास प्राधिकरण का बकायेदारों का राजस्व बकाया है, जिन्हें 15 फरवरी तक ही पैसा जमा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इसमें मतलब हमने 3,300 नोटिस भेज चुके हैं और पूरे हफ्ता भर से ये अभियान चल रहा है और वो हमारा जो 5 टीमें जो हैं वो रोज के हिसाब से जाती हैं और ना जगह जगह जाके नोटिस चस्पा करती हैं और ना सबसे और जो मिल जाता है उनको वो मतलब ये भी आगाह कर देती हैं कि अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो या तो आपका मकान निरस्त हो जाएगा और अगर आपका मतलब अगर आप उसमें रह रहे हो तो आपकी बेदखल की कार्रवाई की जाएगी। लगभग अभी तक कितना अमाउंट ऐसा होगा लमसम जो उनका बकाया होगा सभी लोगों ने? एक्चुअली थोड़ा कहना तो मुश्किल है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये कई करोड़ों में पहुंचेगा। यूपी के फतेहपुर में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं की KYC कराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके बाद घर बैठे ही आपको बता दें कि उपभोक्ता को विभागीय जानकारी मिल सकेगी और जिसके लिए विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा का अधीक्षण अभियंता ने शुभारंभ करते हुए टीम को रवाना किया गया है। वहीं शहर के ही आबूनगर पावर हाउस के पास मौजूद अधिशासी अभियंता कार्यालय में विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान
पखवाड़ा के तहत घर घर केवाईसी कराए जाने के लिए अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार जैन ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार जैन ने टीम को रवाना करते हुए बताया कि जिले में 1 फरवरी से 15 जनवरी तक विघुत उपभोक्ता पहचान समाधान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और जिससे 150 टीम पूरे जिले में घर घर जाकर उपभोक्ता से केवाईसी फॉर्म भरवाएगी। ये विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ये माननीय ऊर्जा मंत्री के दिशा निर्देश में चालू किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी विद्युत उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी अपने पास संकलित करते हैं। इसके उपभोक्ताओं को निम्न लाभ, एक तो सबसे पहले उसको सारे बिल की जानकारी मिल जाएगी, बकाया होने पर कटने के पहले जब आप कनेक्शन काटा जा सकता है उसकी सूचना भी मिल जाएगी, कोई ब्रेकडाउन होता है तो कब से कब तक ब्रेकडाउन रहेगा वो जानकारी भी मिलेगी, साथ ही उसकी कोई शिकायत होती है तो उसकी ट्रैकिंग होती है वो अपने मोबाइल पर कर पाएगा। एक बात, दूसरी बात क्या है कि सबसे अच्छी बात ये है इसके साथ हमारी जो भी योजनाएं होती हैं, जो जागरूकता अभियान चलते हैं या OTS आता है या कोई स्कीम आती है, उन सब की जानकारी भी इनको मिल जाएगी। इसके लिए हम 3 तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ फतेहपुर में। पहला अभियान बढ़ाने के लिए क्या है कि एक तो हम लोग सभी को KYC फॉर्म देंगे, उपभोक्ता अपना KYC फॉर्म भर के अपना पंजीकरण कर सकता है। ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, दरअसल विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला देवरिया जनपद के गोरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मठिया माफी का है, जहां पीड़ित महिला मेरू निशा ने बुधवार को SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बातचीत में पीड़ित महिला मेरू निशा ने बताया है कि मेरे ही गाँव के एक व्यक्ति ने मेरे बेटे को विदेश भेजने के नाम पर लालच दिया और विदेश के नाम पर लाख रुपए भी ले लिए थे और मेरे बेटे को विदेश भी नहीं भेजा। आज लगभग 4 से 5 साल होने को आ रहा है और लेकिन अभी तक वो पैसा और पासपोर्ट दोनों ही नहीं दे रहा है। ऑफिस पर आए हैं साहब, हम हमारे लड़का के विदेश के नाम पर एक आदमी गवे के बाद चक्कर में डाल दिया, उसको भेजता पैसा ले लेल हमसे, पासपोर्ट ले लस, पैसा ले लस 50,000 ओकर खाता में कह तो हमारे खाता में भेज दम, तोहर लड़का के हम भेजवा तनि अच्छा पैसा कमाई आ तोहर कर्जा वहाँ भरा जाए, तो बात पर दे दिहनी। ओकर बाद कह तो बम्बई चलब, तो बम्बई किराया भाड़ा जुटा के भेजनी। अब खबर हरदोई से है, जहां सरसों के खेत में अज्ञात युवक का शव मिला है। वहीं अज्ञात शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। शव देखकर ग्रामीण हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। ये पूरा मामला सांडी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। नेपाल के काली गंडक नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने 2 शालिग्राम पत्थर गोरखपुर से ही संत कबीर नगर के रास्ते बस्ती पहुंचा है। वहीं शालिग्राम पत्थर का जिले में जगह जगह भक्तों द्वारा जबरदस्त स्वागत और पूजन किया गया। अब ये शालिग्राम पत्थर बस्ती के रास्ते अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। आपको बताते चले कि नेपाल के काली गंडक नदी से शालिग्राम पत्थर का विशेष पूजा के बाद ही निकाला गया है और ये शिला से श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की बाल्य अवस्था की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बताई जा रही है। ये हमारे सामने का शिलान्यास हुआ है उनका और हमारे ही वशिष्ठ नगर से मेरे रोड से होते हुए ये शिलान्यास के लिए प्रस्थान किया है। पर ही कमेंट आ जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो रामायण ऐसी चीज ही, ऐसी हमारा हमारी आस्था ही है रामायण में कि रामायण सौम्यता शालीनता और सत्य असत्य पर सत्य की विजय, यही तो हम लोग के लिए एक प्रेरणादायक है। उसको राजनीति में न लिया जाए, ये हमारे सभी हिंदू सनातनी के लिए एक शिक्षा है ये हम लोग के लिए। राजनीति पूरे विश्व को आज बहुत पावन दिन है हम लोग के लिए, कितने संघर्ष के बाद हम लोग भगवान रामचंद्र जी और माँ सीता का दर्शन अपने इस धरती पर किए हैं। ये हम लोग का अहोभाग्य है कि नेपाल से
गंडकी नदी से निकली ये शिला ग्राम पत्थर यहाँ होकर गुजर रही है और हम लोग उसको स्पर्श करने को पाए, लगा कि जैसे सच में एक सत्य है कि हम भगवान राम और माँ सीता का चरण स्पर्श किए हैं। बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। भगवान जी इस धरा को हमेशा पवित्र करके जा रहे हैं और सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही मैं आशा करती हूँ। सालिग्राम शिला जो है बस्ती से जा रहा है, बस्ती देश बस्ती वासियों में जो है बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमारे प्रभु का शिला जो है आज अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहा है। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। हम लोगों को जो है बस्ती वासियों के लिए डालिए सौभाग्य की बात है कि जो बस्ती से होकर के ये शिला जा रहा है। क्या अमेठी में दबंग ग्राम प्रधान के आगे पुलिस नतमस्तक होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दरअसल पीड़ितों से अवैध संबंध बनाने के विरोध करना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उस वक्त महंगा पड़ गया जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से ग्राम प्रधान ने बदसलूकी और इसके साथ ही बदतमीजी की है। दरअसल ग्राम प्रधान मुकदमा में ही समझौता का दबाव बना रहे थे और इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।